फटाफट आ गई है। सीधा लिखा है कोहाट कैंट बाजार, राइट को हंगू और केडीए कोहाट टनल, लेफ्ट को। अच्छा, टनल से आते तो हम इस साइड से आते हैं। नहीं, और भी बहुत रास्ते हैं, लेकिन यही करीब पड़ता है। सही सही, कोहाट आ गया। कोहाट आ गया। चलो जी, हमारी ये हबीब चौक, हबीब चौक है ये। अब हम जाएंगे राइट, हमारी राय, हम जा रहे हैं राइट को। किधर जा रहे हैं? राइट को गमकोल शरीफ। गमकोल शरीफ, जिंदा पीर, जिंदा पीर गमकोल शरीफ। गमकोल शरीफ आ गया जी। ये खुला मैदान जो नजर आ रहा है ना, यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह और खेमे वगैरह ये सब भरी हुई होती है। अच्छा, गमकोल शरीफ। सरसों की साग लगी हुई होती है, उसने वो अपने अपने फूल पकड़े। हाँ हाँ हाँ, येलो कलर के जो होते हैं, ओए बड़ा जबरदस्त लगता होगा। बहुत जबरदस्त व्यू मिलती है। थोड़ा सा बताते जाएं, आप बोलते जाएं, मैं बना रहा हूँ। ये आ गए गमकोल शरीफ। बिल्कुल, ये सारा। अच्छा, यहाँ मैदान, यहाँ पे लोग होते हैं बाद में? हाँ, जब उर्स वगैरह होती है ना तो भरा हुआ होता होगा। भरा हुआ होता है, बहुत बहुत बड़ा मैदान है। अच्छा अच्छा, मजार है। सही, जिंदा पीर कहते हैं लोग। तो मैंने कपड़े भी पहने ऐसे कि लोग दूर दूर से मुझे देखेंगे। नहीं, यहाँ पे तो पंजाब से सारे लोग आते हैं। पैंट शर्ट में नहीं देखते लोग? नहीं नहीं नहीं, वो उधर कामरान भाई तो उधर गए। वो तो वहाँ पे उर्दू वगैरह करने की जगह। अच्छा अच्छा, यहाँ जा सकते हैं जूतों के साथ? कामरान भाई, थोड़ा इसके बारे में बताएं। बस ये गमकोल शरीफ है, मजा आ रहा है। हाँ, लोग काफी मानते हैं, पंजाब से भी लोग आते हैं। अच्छा, ये पूरा एरिया भर जाता होगा जिस टाइम पे लोग आते होंगे। और इसके बारे में मशहूर है, इसको जिंदा पीर भी बोलते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब अच्छा, अभी भी जिंदा है। सही 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 सही, यहाँ के लोग मानते हैं। पीछे जो आप देख रहे हैं वो वहाँ पे लंगर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे लंगर, जो इनके मुरीद हैं वो चंदा डालते हैं, उसके वो लंगर चलता है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। इस्तेमाल के लिए इन्होंने जगह बनाई हुई, माशाल्लाह माशाल्लाह, काफी बड़ी जगह है, माशाल्लाह। और आपने पीछे सिक्योरिटी भी देखी है। बिल्कुल, नाका बना है वो स्पेशल इनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, इनका मजार शरीफ है। अच्छा अच्छा, ये है इनका मजार शरीफ, माशाल्लाह। मुसलमान भाई हमारे वजू करके, अभी आपको भाई जमात नमाज भी पढ़ानी है, मैं आ जाऊंगा। मौलवी साहब इकामत करेंगे मेरे आगे से। यार काफ है, गमकोल, गमकोल शरीफ मजार से अब हम चल चुके हैं और अभी हम तांडा डैम की तरफ जा रहे हैं। तांडा डैम, और पीछे हमारे हैं कामरान भाई 1.6 में, आगे आगे हम हैं। जौद भाई, कितनी दूर है यहाँ से, कितने मिनट की ड्राइव है? कोहाट में घूम रहे हैं, कोहाट में, कोहाट। ये आ रहा है चौक, लेफ्ट को जाएंगे तो कोहाट सिटी है, राइट साइड पे हंगू को रोड जा रहा है। ठीक है जी, ये देखो लिखा हुआ भी है ना, और स्ट्रेट जो है बनू रोड, बनू रोड, बनू को भी कहती है हंगू बाईपास भी है, वो कोहाट सिटी को बाईपास करती है। हाँ, चलो भाई, विट्स वाले
तांडा क्रशिंग प्लांट भी लगा हुआ है यहाँ पे। जीपीएस तो बता रहा है इस तरफ ले साइड पर हार्ट सिटी दिख रहा है, हार्ट का व्यू आ रहा है साला। ये हम टांडा डैम की तरफ जा रहे हैं, रोड ये अच्छी बनी हुई है। सनसेट बड़ा जबरदस्त आ रहा है यहाँ, बड़ा ही खूबसूरत सनसेट आ रहा है। और सूरज जो है पहाड़ के पीछे उसकी वजह से गोल्डन गोल्डन सा स्काई हो रहा है। और हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स तांडा डैम। ये विट्स के बराबर में लगा दें? नहीं नहीं वो आगे जाके रोड पे ही लगा देंगे, कोई वो गाड़ियां गुजरती हैं ना जो भाई नहीं आती। नहीं अच्छा अगर यहाँ लगाए आगे जाए यहाँ पे लग जाने का खतरा है, मोटरसाइकिल वगैरह बहुत स्पीड में आते हैं, वहाँ पे लगा दे। अच्छा हाँ हाँ अरे दीवार के पीछे ठीक है जवाद। हाँ नहीं पीछे से कोई ना लगे, पीछे भी गाड़ी तो है अपने, वो कामरान भाई लोगों ने बिल्कुल सही लगाई है। ये है जी बड़ा खूबसूरत व्यू और ये है डैम की दीवार, बहुत ही बेहतरीन माइंड ब्लोइंग व्यू है। ये डैम की दीवार है, ये लेक है। लोग भी आए हुए हैं नीचे, सनसेट भी बहुत बेहतरीन हो रहा है और डैम की दीवार के ऊपर से रोड है, पीछे आ गए हैं सारे और ये रोड है। ये हम आ गए हैं तांडा डैम, तांडा डैम है ये और ये आप मेरे पीछे देख, बहुत बड़ी झील है ये, इसकी लेक है तांडा डैम की, आपको दिख रही होगी ये लेक है। और पुरानी तस्वीरें दिखाऊंगा ना, ये दीवार है डैम की दीवार है। और इस तरफ अगर आप आए तो ये कॉलोनी बनी हुई हाल में, ये भी डैम की दीवार है, खेल रहे हैं ठीक है। ये ऊपर से आप दिखाओ जरा, ये सारा व्यू आ रहा है बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत, प्ले ग्राउंड है बच्चे खेल रहे हैं। सनसेट कितना अच्छा हो रहा है, सनसेट बड़ा जबरदस्त पहाड़ों के पीछे। फिशरीज है वो, अच्छा वो फिशरीज का है। और ये हमारी अल्टो खड़ी है, 660 cc अल्टो, ये यहाँ पे तांडा डैम पर भी आ गई है कराची से चल के। ये थोड़ा सा एक और चीज भी बता रहे हैं जवाद भाई कि सर्दियों में गर्मियों में जब उनकी फोटो थी तो ये जो व्हाइट लाइन दिख रही है व्हाइट लाइन यहाँ तक पानी था। बिल्कुल 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 यहाँ तक पानी आया था, बस ठीक है। ये डैम की जो दीवार है वॉल,
उससे गुजर रहे हैं, उसके ऊपर से इरिगेशन पर्पस का ये डैम है, रिजर्वायर बना हुआ है ना, मेरे रिजर्वायर है ना, हाँ झील। ये वो कौन सा अर्तुगरुल गाजी का घोड़ा भी खड़ा है, जो इस पे बैठे है वही अर्तुगरुल। हाँ तो बस वही सिकंदर, हाँ जो हारा वो बंदा है, वन व्हीलिंग मना है। ये राइट किधर जा रहा है? राइट कहीं पे साथ साथ वो निकल रहा है हम लोगों पे। अच्छा, और ये लेफ्ट वाला जिधर हम जा रहे हैं, लेफ्ट वाला जहाँ हम जा रहे हैं, ये जा रहा है वो जो मैं बता रहा था ना, तुरानी कब्रिस्तान, हाँ हाँ, वहाँ से निकल के कोर्ट रोड की तरफ जाके कस्ट यूनिवर्सिटी, अच्छा यूनिवर्सिटी, अच्छा यानी निकल के वहाँ पे इंडस हाईवे पे। अच्छा, चाय के होटल पर तो निकलेगा ना ये, बस बस फिर ठीक है। अभी हम जी चाय के होटल पे जा रहे हैं, बस मुझे अब ये समझ आ रहा है, बस अभी चाय दिख रही है, बस अब चाय दिख रही है चाय के होटल पे।